गर्ग ट्यूब लिमिटेड की स्थापना सन 1988 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई और घाटे में चल रही कंपनी को सन 2002 में श्री सीएल अग्रवाल जी ने संभाला और कौन जानता था इस कंपनी का भविष्य इतना सुंदर होगा जो आज इतिहास बन जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और सन 2009-2010 में कंपनी ने टर्नओवर और मुनाफे के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कंपनी को स्टार एक्सपोर्ट हाउस का सम्मान फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया। लगातार प्रयास और निरंतर मेहनत के दम पर इन्होंने इंडस्ट्री में एक नई पहचान बनाई। श्री सीएल अग्रवाल जी का जन्म भिवानी के रतियरा गांव में 17 जून 1955 को हुआ। गर्ग ट्यूब लिमिटेड कंपनी जो कि एक ISO 9001 CE सर्टिफाइड, ISO 14001 OHSAS 18001 सर्टिफाइड कंपनी है। गर्ग ट्यूब लिमिटेड ने ब्लैक स्टील और गेल्व लाइन पाइप्स के लिए अपनी अत्याधुनिक निर्माण के लिए नई टेक्नोलॉजी की मशीनें भी लगाई, जिससे शुरुआत में 10,000 मेट्रिक टन की क्षमता के साथ स्थापित किया गया और धीरे धीरे इसकी उत्पादन क्षमता सालाना 30,000 मेट्रिक टन तक हो गई। सन 2009-2010 के दौरान निर्यात के कारोबार में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निर्यात श्री ट्रॉफी से तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा सीएल अग्रवाल जी को सम्मानित किया गया। सन 2014 से 2019 में विदेश व्यापार के क्षेत्र में संयुक्त निदेशक द्वारा विदेश व्यापार नीति में प्रमाणित स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा। श्री सीएल अग्रवाल जी ने यह साबित किया कि कठोर परिश्रम और इच्छा शक्ति की बदौलत आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं और आज ये देश के साथ साथ बाहर के देशों में भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, अपने बिजनेस के साथ साथ ये समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में भी लिप्त हैं। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं भिवानी जिले का नाम पूरे देश में रोशन करने वाले श्री सीएल अग्रवाल जी। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय। राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत श्री सीएल अग्रवाल साहब का भिवानी परिवार के इस गौरवशाली मंच से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ श्री राजेश जी चेतन से कि उनका स्वागत करें। साथियों, आज हमारे बीच में बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि श्री सीएल अग्रवाल जी नवरत्न अवार्ड के लिए चुने गए हैं। अग्रवाल जी आज सही मायनों में देश के लिए कमाऊ बेटे हैं। अपने परिवार के लिए कमाऊ बेटे तो हम सब लोग ही हैं, लेकिन ये देश के लिए कमाऊ बेटे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये RBI से सिर्फ $100 लेते हैं इम्पोर्ट के लिए और उसमें इंडियन प्रोसेसिंग करके इनपुट डाल के RBI को $200 पूरे वर्ल्ड से लेके आते हैं $200 और RBI में जमा करवाते हैं। तो ये हमारे देश के लिए कमाऊ बेटे हैं। इनका टोटल टर्नओवर जो है एक्सपोर्ट पे है, स्टील का इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं इनसे दो सवाल पूछूं, उससे पहले मैं एक वाक्य बताता हूँ। मैं अहमदाबाद की फ्लाइट में था, फ्लाइट लैंड करी, उठने लगे, पीछे से आई आवाज, दिनेश भाई। इनका गुजरात में बोलते तो सभी हैं भाई एक दूसरे को, लेकिन ये दिनेश भाई भाई कोई ना कोई मुझे पहचानते हैं। मैं देखता हूँ तो पीछे सीएल अग्रवाल। मैंने कहा भाई साहब आप भी आ रहे हैं? बोले मैं तो हर तीसरे दिन आता हूँ। मुझे जानकारी मिली कि मुंद्रा के पास में इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल प्लांट लगाया जहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं स्टील के रॉ प्रोडक्ट्स को और उसको फिनिश करके वहाँ फैक्ट्री में और वहीं से एक्सपोर्ट कर देते हैं। अभी चेतन जी कह रहे थे कि गुजरातियों के बाद हिंदुस्तान में भिवानी वालों का नाम है, अब इसको आप क्या कहेंगे? उन्हीं की धरती पे जाके भिवानी वालों ने गुजरातियों को पीछे छोड़ दिया है, तो गुजरातियों से आगे हैं हम लोग, सिर्फ है कि पहचान करने की। स्वागत है अग्रवाल जी। हम अपने परिवार में बैठे हैं, मैं कुछ बातें आपसे पूछूं, वो हम सब लोग जानकर बड़े हर्ष में होंगे। कुछ अपने बचपन की, एजुकेशन की और परिवार की बारे में सभी दर्शकों को बताइए। मेरा जन्म गांव में हुआ था, गांव रतेरा है, भिवानी से करीब 25-30 किलोमीटर दूर है। अपने राजेश भाई का गांव है तो शाम, उसके साथ में मेरा गांव है रतेरा।
और रतेरा में मेरा जन्म हुआ। 7 साल की उम्र में हम लोग भिवानी शिफ्ट हो गए। भिवानी में हमारे भाई साहब ने मकान बनाया था, वहाँ हम शिफ्ट हो गए। मेरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन तो हमारे घर के पास में स्कूल था, वहीं पे हुई। उसके बाद वेस्ट स्कूल में मैं गया। वेस्ट स्कूल से उसके बाद हमने वेस्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। और फिर मैं भाई साहब, क्योंकि हमारे कलकत्ता रहते थे और कलकत्ता में हमारा बिजनेस था, तो भाई साहब ने कहा तू कलकत्ते ही आ जा, और यहाँ पे पढ़ भी लिए और कुछ काम वाम भी कर लिए। तो वो कलकत्ता में एक रिवाज है कि जैसे ही कोई आप बिजनेस करने जाता है तो घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उसको पहले कहते हैं भी तू जा काली माता के दर्शन करके आ। तो मेरा पहला दिन कलकत्ता में मैं गया तो मेरे को काली माता दर्शन के लिए भेजा गया। तो और वहाँ पर मैंने दर्शन करके और फिर मैंने कहा भाई साहब मेरे को पढ़ना है, अभी मैं अभी बिजनेस में नहीं आना चाहता। तो भाई साहब ने कहा तू पढ़ भी ले, बिजनेस भी कर ले। मेरे को फिर उन्होंने एक कपड़े की दुकान खोल के दी। मैं कपड़े की दुकान पे बैठा और साथ साथ में मैंने मॉर्निंग कॉलेज में लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो मैंने वहाँ से LLB की और साथ साथ में मैं कपड़े का बिजनेस भी करता रहा। कपड़े का बिजनेस मेरे को कुछ जम नहीं रहा था, मतलब समाउ मैं आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक आई शुड डू दैट, बट भाई साहब की आज्ञा थी तो मैंने वो कंटिन्यू रखा। लेकिन मैंने लॉ करने के बाद मैंने कहा भाई साहब मैं अब कुछ और करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई साहब ने कहा कि भाई तू खाली अगर तू अगर दुकान पे नहीं बैठेगा तो फिर कौन संभालेगा इसको। मैंने कहा मैंने भाई साहब लॉ कर लिया, मेरा मन नहीं है। फिर मेरा एक दोस्त थे, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी, मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने कहा तू आ जा मेरे साथ आ जा और अपन बैठ के है ना प्रैक्टिस करते हैं। तू LLB हो गया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अपने है ना इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं। उन दिनों में वो फाइल वाइल बनाने का काम काफ़ी चलता था। तो एनीवे मैंने कहा यार मैं उसके पास एक महीने गया, मेरे को नहीं सूट किया, मैं वापस आ गया। मैंने कहा भाई साहब मैं फिर नहीं कर पाऊँगा। तूने कहा तू ऐसा कर तू भिवानी चला जा और वहाँ पर कुछ काम धंधा देख ले। मैं वापस भिवानी मेरी वाइफ को और एक मेरी बच्ची थी मैं उसको लेके हम लोग भिवानी आ गए। भिवानी के बाद फिर मैंने दिल्ली में कुछ ट्राई किया। मैंने कहा कुछ लोहे का बिजनेस मैंने ट्राई किया, कुछ ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट की, लेकिन कुछ नहीं बात बनी। मैंने हमारे एक रिश्तेदार हैं एडवांस स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, मिस्टर DN अग्रवाल, उनके यहाँ मैंने जॉब कर ली। जॉब करने के बाद मेरे को बस वो दिन में तो यही था कि कुछ अपना करना है। मैं 2 साल जॉब की, उसके बाद मैंने अपना एक ऑफिस खोल लिया हौसगाजी में और मैं स्टील पाइप की ट्रेडिंग करने लग गया। करीब 13-14 साल के तक मैंने स्टील पाइप की ट्रेडिंग की। उसके बाद 2001 में हमने एक कंपनी मैंने टेक ओवर की और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों। भिवानी से पूरे जर्नी में भाई के आदेश को पालन करते हुए भिवानी से शुरू होके कपड़ा व्यवसाय, एडवोकेट बनना और फिर वापस भिवानी आना और दिल्ली में हौसगाजी में व्यवसाय करना, बहुत बढ़िया। आपकी इस यात्रा में किसी विशेष परिवार या व्यक्ति का स्मरण आपको आता है जिसके लिए आप सभी हमारे? देखिए हमारे परिवार में जो मुखिया थे, वैसे तो पिताजी थे मतलब मुखिया तो, लेकिन भाई साहब जो हमारे बड़े थे विजय कुमार जी अग्रवाल, वो कलकत्ता में रहते थे, उनका आदेश और उनकी इंस्ट्रक्शन और उनका जो आज्ञा थी वो हमारे लिए सर्वोपरि थी। तो मैं सिर्फ मेरा सारा श्रेय मैं अपने बड़े भाई साहब को ही देना चाहूँगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सफलता का कोई ऐसा मंत्र या सूत्र जो आपके जहन में आया हो इस यात्रा के दौरान, तो उससे हम सब लोगों का भी फायदा हो? देखिए सफलता बिजनेस में मेहनत तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपका बिहेवियर, आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन, वो जो चीज़ है वो उसका कोई सानी नहीं है। मेहनत के साथ साथ आपको अपना कमिटमेंट और आपका डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कमिटमेंट के मामले में मैंने अपने आप को हमेशा नंबर वन रखा है। आपने बाबा व्यास ने जो अभी हमारे को बातें बताई गीता के बारे में, उसको आपने अपने जीवन में पूरी तरह से उतारा हुआ है, ये हमारे को जीता जागृता उदाहरण मिल रहा है जी। आपकी विशेष कोई रुचियां
किस विषय को आप पसंद करते हैं, कुछ क्या करना पसंद करते हैं, कहाँ घूमना पसंद? मैं पूरे करीब करीब पूरी दुनिया घुमा हुआ हूँ, हमारे व्यापार के सिलसिले में भी, और वैसे भी मेरे को घूमने का शौक है। लेकिन मैं पर्सनली एक मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मतलब मैं भिवानी में क्रिकेट खेलता था और मैं कॉलेज में भी खेला, फिर कलकत्ता में भी मैंने फर्स्ट डिवीजन लीग खेली है, और अभी भी मैं क्रिकेट का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं लॉन टेनिस अभी भी खेलता हूँ। तो मैं बेसिकली बाय नेचर आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन। मल्टीपल टैलेंट है सीएल अग्रवाल साहब में। अग्रवाल जी, भिवानी परिवार के मंच पर कुछ संस्था के बारे में भी आप अपने मन में रखते हैं तो बताइए। संस्था का तो संस्था क्या नहीं, संस्था नहीं है, ये एक परिवार है। और ये परिवार मेरे को ध्यान आ रहा है शायद 2010 की बात है राजेश भाई, जब हम प्रशांत विहार अग्रवाल धर्मशाला में इकट्ठे हुए थे और करीब हम लोग 25-30 लोग थे उस वक्त, और उस वक्त ये उस संस्था की नींव पड़ी थी। और उसके बाद धीरे धीरे राजेश भाई के और आपकी पूरी टीम की मेहनत और प्रयास से मेरे ख्याल से इसके करीब करीब 1000 मेंबर हो गए हैं। 1300? अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तालियां। 1300 मेंबर हो गए हैं और राजेश भाई बड़ी उसको लीड कर रहे हैं, और साथ में हमारी जो पूरी टीम है उसका बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो यहाँ के हैं ना, ऐसा नहीं लगता है कि कहीं संस्था में आए हैं, संस्था नहीं है, ये परिवार है, फैमिली है। और आज परिवार में आके और अपने आप को सम्मानित होना देखना, ये बड़े गर्व की बात है। तो मैं तो राजेश भाई और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। आज हमारे को नवरत्न के साथ साथ 10वां रत्न हमारा भिवानी परिवार भी बन गया है कि हमारे नवरत्न जो है हमारे को इतना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। आपकी दिनचर्या में किस तरह से दिनचर्या रहती है, कोई विशेष समय प्रबंधन को लेके या परिवार को कैसे समय देते हैं? डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली, दीज आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन एनी मैंस लाइफ। मतलब खाली बिजनेस नहीं, चाहे आप सर्विस में हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप दूसरे सेक्टर्स में हैं, और टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और मेरी दिनचर्या में मैं तो मॉर्निंग में तो मेरा स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, मैं करीब करीब 1.5 घंटे टेनिस खेलता हूँ, और उसके बाद आके मैं फिर आजकल थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ। मेरा बेटा है राहुल, वो काम सारा देखता है, तो मैं 12:30 बजे ऑफिस जाता हूँ, और मैं 6:15-6 बजे आके फिर मैं 1 घंटा योगा भी करता हूँ घर पर। तो मेरा ऐसा है रूटीन है। बहुत बढ़िया, नई पीढ़ी को आपने इतना बड़ा एम्पायर जो है शुरू करके दिया है जिसका वो देख रहे हैं, तो इस नई पीढ़ी को आप अपने रीति रिवाज, परिवार, गांव से जोड़ के रखने के लिए कोई संदेश देना चाहें तो? नहीं, एक्चुअली मेरे परिवार में टचवुड मेरा बेटा, मतलब मेरा एक बेटी है, उसकी शादी हो गई है, और ये बेटा है, इसकी भी शादी हो गई, इसकी वाइफ भी आई हुई है, तो ये यही सारा काम देखता है, और यही हम लोग अपने रूट से, अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं। भिवानी अभी भी हम 2-3 महीने में एक चक्कर लगाते हैं, भिवानी खेड़ा में हमारे बाबा का धाम है, वहाँ पे हम लोग धोक मारने जाते हैं, और बेटा बहू भी जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम लोग अपनी जमीन से, अपने गांव से, अपने संस्कारों से जुड़े रहें। तो साथियों, अभी आपने इतनी थोड़े से समय में कितनी बातें सुनी सीएल अग्रवाल जी से, कि कितने मल्टीपल तरह के काम को करते हुए ये जर्नी में यहाँ तक पहुँचे हैं, आज पूरा एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, जड़ों से, गांव से, अपने कुनबे से। एक बात बोलना चाहूँगा, मेरा 100% एक्सपोर्ट का बिजनेस है। भारत सरकार से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मेरे बेटे को निर्यात श्री का अवार्ड मिला हुआ है, और हमारी 100% एक्सपोर्ट कंपनी है अडानी के SEZ में। एक ऑफिस हमारा UK में भी है, और एक एम्स्टर्डम में खोलने के लिए मेरा बेटा प्रयास कर रहा है। तो बहुत 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 गर्व की बात है हम सब लोगों के लिए कि चेतन जी तो जहाँ जाते हैं वहाँ शाखा खोल देते हैं, तो आपने तो ऑफिस ही बना दिया है। तो वहीं से हमारी संस्था का, परिवार का जो है विस्तार होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमारे थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। साथियों, जरा एक बार जोरदार तालियों से जो है स्वागत करिए अग्रवाल जी का। आइए अग्रवाल जी।
आइए साहब, वेरी गुड। सबको पटके बनाओ भाई, हमारे कुनबे वाले के सब। जय हो राहुल देवता, कमाल कर रखा यार। लो ट्रॉफी दो भाई, जिंदा रहो। मैं बीच में आऊं तो फिर ऐसा लगेगा। आप भी हाथ लगाओ भाई, आप सब आ जाएंगे, पूरा परिवार आ जाएगा। वेरी गुड। हमारे स्टार हो भैया।